ये गाइस स्वेप दिस साइट एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म ऑफ द ड्रग्स टॉपिक है शायद लेंदी लेंदी तो हो सकता है थोड़ा अगर लेंदी हो गया तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अदरवाइज आई ट्राई टू कवर इट इन इन वन वीडियो ओनली सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म सो विदाउट एलि डिलेट इट स्टार्टेड द सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म जो फार्मेलोकोलॉजी का टॉपिक है सो सिनर्जिज्म क्या होता है सिनर्ज़ हम दो ये बेसिकली ड्रग के एक्शन है सीनर्जिट एक्शन और और दूसरा एंटागोनिस्टिक एक्शन आपको पता होगा जो चीज़ साथ में मतलब बोलते ना उसको अगर वो प्लस का प्लस का रहेगी और एक प्लस है तो एक माइनस है तो, तो दैट इज़ एंटागोनिज्म तो ये चीज़ है सिनर्जिज्म क्या होता है जब एक्शन ऑफ द ड्रग इज़ फैसिलेटेड या फिर इंक्रीज हो जाता है बाय अदर ये एक ड्रग आपने बॉडी में डाल रखी है आपने एक और ड्रग डाली अब जो एक और ड्रग डाली वो उसका अफेक्ट इंक्रीज़ कर रही मतलब उसको पॉजिटिविटी मतलब उसके साथ पॉजिटिव है कि वो उस ड्रग का अफेक्ट इंक्रीज कर रही है दे आर सेट टू बी सिनर्जिस्टिक एक एक जैसे काम करने वाले सिनर्जिस्टिक एक दूसरे के बोलते ना? दो एक से भले दो का kind ऑफ of. इन सिनर्जिस्टिक पेयर जो होते हैं दोनों जो ड्रग्स हैं उनका सेम डायरेक्शन हो सकता है या फिर उनको मे बी अलोन गिवन मे बी इनएक्टिव सो इन सिनर्जिस्टिक पेयर अगर वो सिनर्जिस्टिक पेयर में दोनों जो ड्रग्स है बोथ द ड्रग्स हैव एक्शन इन द सेम डायरेक्शन बोलते ना लाइक काइंड ऑफ जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते थे वेलोसिटी एंड स्पीड डायरेक्शन दोनों एक ही एरोज इन वैक्टर्स लाइक दोनों एक ही डायरेक्शन में सिनर्जिस्टिक uh, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में है पॉजिटिव इफेक्ट आएगा

फर्स्ट ऑफ ऑल देखें एडिटिव सीनर्जिज्म एडिटिव सिनर्जिज्म क्या होता है कि अफेक्ट ऑफ़ दोनों ड्रग्स का वो सिंपली एडअप हो जाता है कि आपने ड्रग ए डाली पहले फिर आपने ड्रग बी डाली तो ड्रग ए प्लस बी का अफेक्ट जो है फिर आपने वो किससे आएगा अफेक्ट ऑफ ड्रग फिर मतलब ऐसे बोलना ना कि अगर आप अफेक्ट ऑफ ड्रग ए डालो फिर फिर कभी बाद में अफेक्ट वो खत्म होता है हो फिर अफेक्ट ऑफ ड्रग बी डालो ऐसे करके डालोगे तो और लेकिन या फिर एक दोनों साथ में डालोगे ए और बी एक साथ डालोगे ए प्लस बी डालोगे या फिर इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी इस फॉर्म में डालोगे तो दोनों इक्वल आएगा वो चीज़ लेकिन सु, और एडिटिव में होता है सुपर एडिटिव में क्या होता है कि अगर आप एक साथ डालोगे अफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस अफेक्ट ऑफ ड्रग बी अगर आप एक साथ डालोगे तो उसका अफेक्ट कंपेरेटिवली ज्यादा आएगा अगर आप पहले ए डालोगे फिर बी डालोगे कंपेरेटिव दोनों चीज़ें डाल रहे हैं बट हम उनको एक साथ डाल, डाल रहे हैं ए प्लस बी फॉर्म में डाल रहे हैं सुपर एडिटिव में तो अफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज मोर देन अफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस अफेक्ट ऑफ ड्रग बी इन सुपर एडिटिव वेयर इज एडिटिव में क्या होगा वो सिंपली एडप हो जाएंगे सुपर एडिटिव में ऐसा होगा तो सुपर एडिटिव में क्या होता है अफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है इंडिविजुअल अफेक्ट से कंपोनेंट्स के अफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज मोर देन अफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस अफेक्ट ऑफ ड्रग बी एडिटिव में और क्या होता है एडिटिव के अगर हम एग्जाम्पल देखें ऐसी कौन सी ड्रग है तो अगर आप और प्लस पैरासिटामॉल को देखोगे तो वो पेनाल जैसे क्या एंटीबायोटिक एक्शन होता है तो आप उसको एक साथ डालो मतलब एक ही करके डालो या फिर आप उनको एक साथ कॉम्बिनेशन डालो तो वो एक ही काम करेगा एक ही तरह से एक ही वे में अफेक्ट करेगा आपकी बॉडी को नाइट्रोस ऑक्साइड एंड हैलोथिन का कॉम्बिनेशन हेलोथिन में हमने आज ही पढ़ा था इज एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स में पढ़ा था दोनों लिक्विड एंड गैशियस जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स में सो वो काम करता है नाइट्रो जनरलिक एजेंट्स उसके अलावा हमने एम्लोडीपिन पढ़ा था एम्लोडीपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी एतिनोल, हाइपरटेंसिव ड्रग्स एस्पेरिन पैरासीटामो का कॉम्पेर एनाल जैसे कि एंटीबायोटिक आपके एन पेन के पेन किलिंग में हो और आपके फीवर को रिमूव करने के लिए पैरासीटामो देंगे एंड एस्पेरिं का कॉम्बिनेशन तो ये जो चीज़ें हैं या आप एक साथ करके डा एक साथ डालो या फिर एक एक करके डालो एक ही अफेक्ट देगा इक्वल अफेक्ट जबकि अगर हम सुपर एडिटिव का एग्जाम्पल देखें सुपर एडिटिव का एग्जाम्पल क्या हो गया कि जैसे अगर आप एसिटाइल कोलिन और फाइसोस्टिगमिन एसिडेलकोलिन या सिसोस्टिगमिन अगर आप यूज़ करोगे तो वो इनिबिट कर देगा एसीडेलकोलिन का तो इसमें अफेक्ट कम्पेरेटिवली ये एग्जाम्पल हो गया इसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे इना फॉर एग्जाम्पल इनालप्रिल हो गया हाइड्रोक्लोरोसाइड हो गया ये बेसिकली टैकल करते हैं टैकलिंग टू कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जो ब्लड प्रेशर को फॉर राइज इन ब्लड प्रेशर ये कमाते हैं तो इसके हम हमने दो एग्जाम्पल देखे एडिटिव में हमने देखा एस्पेन प्लस पैरासीटाम ले लो हैलोथिन और नाइट्रोस ऑक्साइड ले सकते हो आप एमलोडीपिन एटिनोल ले सकते हो वहीं सुपर एडिटिव के एग्जाम्पल जैसे एसिटाइल कोलिन और फाइसोस्टिगमिन हो गया एंटी हाइपरटेंसिव हो गए नाल हो गया हाइड्रोक्लोरोसाइड हो गया ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए ये बेचते ले, एसिटाइल ले, एसिडाइल और फाइसोस्टिगमिन इनहिबिट करेगा ऑफ द ग्रोथ डाउन इनिबिटन ऑफ द ब्रेक डाउन ले, ऑफ द एसिटाइल कोलिन एंड एंड हाइपरटेंसिव जो होता है एंटी हाइपर वो टैकल करते हैं टैकलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स टू कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स टैकल करते हैं फॉर राइज इन ब्लड प्रेशर देन हमने सिनर्जिज्म देखा कि दोनों दो ड्रग का अफेक्ट जो है बेसिकली सिनर्जिस्टिक अफेक्ट आएगा देन हम देखेंगे एंटागोनिज्म एंटागोनिस्ट अफेक्ट आएगा जब एक ड्रग जो है वो एबोलिश कर देगी या कम कर देगी दूसरे ड्रग का एक्शन को तो इसको हम इसी चीज़ को हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट कि अफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी दोनों का एक साथ अगर आप उन ड्रग को दे रहे हो एक साथ कि आपने दोनों ड्रग एक साथ दी तो उसका अफेक्ट कंपेरेटिवली कम आएगा दोनों ड्रग्स के मतलब एक फिर आपने ड्रग ए दी मैं ड्रग ए बी दी तो उस केस में ए प्लस बी जो है है, ऐसे करके ऑफ़ ए प्लस बी जो है वो कम आएगा इस कंपेयर टू अगर आप ए के करके दोगे उनसे सो so, एंटागोनिज्म में वो अपोजिट काम करता है डिपेंडिंग ऑन द मैकेजम कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है तो so एंटॉगोनिज्म होता है वो भी आपके अलग अलग टाइप का हो सकता है तो दैट इज फिजिकल एंटॉगोनिजम आपके कौन कौन से एंटॉगोनिजम होता है दैट इज द फिजिकल एंटॉगोनिज्म केमिकल एंटॉगोनिजम फिजियोलॉजिकली फंक्शनल एंटॉगोनिजम एंड देन द रिसेप्टर एंटॉगोिजम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फिजिकल एंटॉगोनिजम फिजिकल एंटॉगोनिजम क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड ड्रग्स की अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आपको दिखने में उसका अपियरेंस कैसा है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना जो आप देख के उसको बोल सकते हो मफोलॉजी का बोल सकते हो फिजिकल

देयर कम्स द केमिकल एंटॉगेजम फिजिकल एंटॉर्गेनिज्म हमने देखा चारकोल का एग्जाम्पल जो एल्कोरो एबजॉर्ब कर रहा है एबजॉर्ब इन द सेंस लाइक उसकी आग के ऊपर बोलते हैं ना किसी चीज से अट्रैक्ट होकर उस पर चिपक जाते हैं वही उसी उसके ऊपर सरफेस पे एब्जॉर्ब कर जाते हैं तो वो चीज़ एडजॉप्शन एंड देन हम देख हमने दे, हम देखेंगे केमिकल एंटागोनिज्म केमिकल एंटागोनिज्म क्या होता है कि जो ट्रू ड्रग्स हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो ट्रू ड्रग्स रिएक्ट केमिकली एंड फॉर्म एन इनएक्टिव प्रोडक्ट दो ड्रग्स केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और इनएक्टिव प्रोडक्ट बना लेते हैं दो ड्रग्स ने रिएक्ट किया और एक केमिकल प्रोडक्ट बना इनएक्टिव प्रोडक्ट बना लिया फॉर एक्जाम्पल जैसे की एमिनो फोर है वो एल्कोलॉड को न्यूट्रा ऑक्सीडाइज कर देता है एल्कोलॉइड्स को ऑक्सीडाइजेज एल्कोलाइड्स इसको हम गेस्ट्रिक लेवेज में यूज़ करते हैं मतलब दोनों एक साथ मिलकर एंटागोनिक्स अपोजिट एक्शन होता है ना कि जैसे एसटिक आपके बॉडी में एक एसिड एसिड प्रोड्यूस हुआ आपने उस पर बेस डाल दिया केमिनोफोर तो दोनों चीज़ें मिलके आपके क्या हुआ एक न्यूट्राइज न्यूट्रलाइजेशन एक्शन हो गया तो दो ड्रग्स जो है वो केमिकल रिएक्ट करेगी और इनएक्टिव प्रोडक्ट बना रहेगी मतलब एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बना लेगी जीरो दोनों का एक्शन से वो कट ऑफ हो जाएगी चीज़ का जो कॉजिंग जो एरर था आपके जो डिजीज़ था जो डिसऑर्डर था के एम एन ओ फोर जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा एल्कोलट को जिसको हम गैस्ट्रिक लेवेज में काम लेते हैं इन पॉइजनिंग में चीलेटिंग एजेंट फॉर एग्जांपल बाल केल जो है एडिटेड तो ये चीलेटिंग एजेंट्स कॉम्प्लेक्स मेटल्स ये भी केमिकल एंटनिज्म में आते हैं नाइट्रेट जैसे जो नाइट्रेट्स फॉर्म द मिथ हेमोग्लोबिन जो नाइट्राइट्स हैं वो मेट हीमोग्लोबिन बना लेते हैं जो विच विच रिएक्ट विद साइनाइड रेडिकल नाइट्राइट जो है वो मेट हीमोग्लोबिन बना लेते हैं जो साइनाइड रेडिकल से रिएक्ट करते हैं नाइट्राइट फॉर्म द मेट हीमोग्लोबिन विच रिएक्ट विद द साइनाइड रेडिकल दैन देअर कम्स हमें केमिकल एंटागोनिज्म देखा उसके बाद आता है फिजिकल एंटागोनिज्म फिजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म द टू ड्रग्स जो एक्ट करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स पर बाई डिफरेंट मैकेनिज्म ये फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल एंटागोनिज्म क्या होता है इसके अंदर जो दो ड्रग्स हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स पर एड करते हैं या डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एड करते हैं बट इनका जो होता है बट हैव अपोजिट ओवर अफेक्ट्स ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल फंक्शन इनका अपोजिट बट इनका सेम

तो हमने क्या देखा कि फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एंटागोनिज्म क्या हो okay, गया दो ड्रग जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे या डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं बट इनका जो अपोजिट अफेक्ट है बट हैव अपोजिट ओवर अफेक्ट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल मतलब एक ही चीज़ हो रही है बॉडी में एक ही प्रोसेस चल रहा है एक ही फंक्शन चल रहा है एक ही फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फंक्शन के ऊपर इनके दोनों दोनों चीज़ों के ड्रग के अलग अलग रिसेप्टर पर जाएंगे और अलग अलग काम करेंगे ये एंड दैट इज़ हैफ फार्मेलोलॉजिकल एफेक्ट इनके फार्मेकोलॉजिकल अफेक्ट एक चीज़ बढ़ा देगा कम कर देगा आई मीन फार्मेकोलॉजिकल अफेक्ट जो होंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे जैसे हिस्टामाइन और एड्रनोलिन जो है आप उसको यूज़ करोगे ब्रोंकिअल मसल्स एंड नॉन ब्लड प्रेसर पर हिस्टामाइन और एड्रीन अब हाइड्रोक्लोरोड एंड ऑल्सो एमिलोराइड यूरिनरी पोटेशियम एक्सप्रेशन सो दैट इज फिजोलॉजिकल ए फंक्शनल एंटागोनिजम दैन देयर कम द रिसेप्टर एंटागोनिज्म सो वॉट इज रिसेप्टर एंटागोनिज्म रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या होगा जो एक ड्रग है एक एंटागोनिस्ट होगी जिसको अपोजिट बोलते हैं ना कि रिसेप्टर से अगर वहाँ पे एंटागोनिस्ट बाइंड कर दो तो उसको अपोजिट करेगा उसको ब्लॉक कर देगा एंटागोनिस्ट तो वो चीज़ है एंटागोनिस्ट तो रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या होगा कि वन एक ड्रग जो होगी वो एंटागोनिस्ट जो हम बोल रहे हैं तो एंटागोनिस्ट ब्लॉक कर देगी रिसेप्टर के एक्शन को ऑफ द अदर जो एगोनिस्ट है मतलब एगोनिस्ट जो उसे बाइंड करने वाला होगा सपोज़ ए है ए का भाई बी है और उसके अलावा एक एक थर्ड पार्टी है क्स तो ए से बेसिकली बी बाइंड करने वाला था बट बी की जगह बाइंड कर गया एक्स जो मतलब उसके जैसा ही दिखता है लेकिन वो उससे जाके बाइंड कर दिया तो एक्स क्या है एंटागोनिस्ट है लेकिन बाइंड किसको करना था एगोनिस्ट उसके बी को करना था बट इंस्टीड ऑफ बी हु बाइंडेड देयर एक्स बाइंडेड विद ए सो दैट इज़ लाइक वन ट्रग एंटागोनिस जो है वो ब्लॉक कर जाता है रिसेप्टर एक्शन ऑफ़ दूसरा अदर का जिसको एगोनिस्ट होता है रिसेप्टर एंटागोनिस जो होते हैं वो सेलेक्टिव टाइप के होते हैं कि मतलब थोड़ा रिलेटिवली जो इट कैन भी कॉम्पिटेटिव भी हो सकते या नॉन कॉम्पिटेटिव भी हो सकते हैं और ऑल्सो ये नॉन इक्विलिविरियम एंटागोनिज्म भी हो सकते हैं इसमें कॉम्पिटेटिव में क्या आएगा जो रिवर्सिबल होते हैं ये कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है फॉर द बाइंडिंग दोज बिटवीन फॉर द बाइंडिंग जो हुज कंसनट्रेशन ज्यादा होगी वो बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर एंटागोनिज्म में हम अलग अलग टाइप के होते हैं कॉम्पिटेटिव होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं नॉन इक्विलिब्रियम तो आपको ये देखना है कि रिसेप्टर एंटागोनिज्म किस टाइप के होते हैं थ्री टाइप्स के आपको रिसेप्टर एंटागोनिज्म देखने को मिलते हैं दैट इज़ कॉम्पिटिटिवि नॉन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव जो होते हैं वो बेसिकली रिवर्सिबल होते हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन चलेगा दोनों के बीच में कि मतलब जो बेसिकली कॉम्पिटिशन जीत जाएगा मतलब जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी हुज कंसन्ट्रेशन इज़ ज़्यादा वो बोलेगा कि हम डोमिनेट हैं हमारी कंसनट्रेशन ज़्यादा है हम मेजोरिटी में हैं हम बाइंड कर लेंगे तो वो जाके बाइंड कर लेंगे तो कॉम्पटिशन चलेगा फॉर बाइंडिंग के लिए और जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो बोलते हैं ना जिसकी ज़्यादा प्रजा या ज़्यादा वो चीज़ होगी वो जीत गया ऐसा दैन देअ कम द नॉन कॉम्पिटेटिव एन एंटागोनीज रिसेप्टर कॉम्पिटेटिव देखा कॉम्पिटिजम में दो रिवर्सिबल होते दोनों के बीच में कॉम्पटिशन चलेगा जिसकी कंसनट्रेशन ज्यादा होगी वो जगह ही बाइंड कर देगा नॉन कॉम्पिटेटिव रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या होता है एंटागोनिस्ट बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइड पर एलोस्टेरिक साइड एलो क्या होगी जो साइट है अदर देन दट मेन साइट उसकी जैसी एक और साइड पर बाइंड कर देगा कि मतलब जैसे एक रिसेप्टर साइट है रिसेप्टर का इस तरह दिखता है रिसप्टर उसके अलावा एक और वैसे ही जग, एक और जगह पर दूसरी जगह पर एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड कर जाएगा और दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा कि एगोनिस्ट भी बाइंड कर जाएगा और एंटागोनिस्ट भी बाइंड करेगा दोनों ही बाइंड कर जाएंगे एक एगोनिस्ट अपनी मेन जगह पे जहाँ करता है वहीं करेगा और एंटागोनिस्ट एक एलोस्टेरिक साइड पर जाकर बाइंड कर जाएगा तो नॉन कॉम्पिटेटिव ये होता है कि दोनों ही बाइंड कर दे कॉम्पिटेटिव बाइंड एक करेगा दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलेगा जो जीतेगा वो बाइंड करेगा नॉन कॉम्पिटिटिव में बाइंड दोनों ही करेंगे एक नॉर्मल जगह पर एक एलोस्टेरिक साइड पर नॉन इक्विलिब्रियम क्या होता है नॉन इक्विलिब्रियम जो है वो इरिवर्सिबल होता है इक्विलिब्रियम नहीं दोनों में रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है इरिवर्सिबल होता है नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिस्ट बाइंड कर जाएगा स्ट्रॉन्ग कोविलेंट बॉन्ड के साथ इसीलिए एगोनिस्ट जो बाइंड ही नहीं कर पाएगा मतलब बोलते हैं ना अब अब लाइक नॉन इक्विलिब्रियम में क्या आया एक बहुत पावरफुल इंसान आ गया पावरफुल लाइक हीरो या खतरनाक पावरफुल हीरो आ गया अब अब आपका अब लाइक कुछ भी हो जाए केवल वही बाइंड करेगा एंड नो मोर नो मोर पर्सन कुड बाइंड देर सो एंटागोनिस्ट ही बाइंड करेगा अब स्ट्रॉन्ग कोविलेंट के साथ इसीलिए एगोनिस्ट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा सो दिस इज़ ऑल द सिनर्जिजम एंटागोनिज्म हमने देखा आई होप आपको समझ में आएगा सीनर्जनिज्म एंटागोनिज्म क्या है किस तरह से काम करता है कितने टाइप्स का होता है फिजियोलॉजिकल किस, किस तरह से होता है रिसेप्टर किस तरह से होता है फिजियोलॉजिकल में हमने देखा कि डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर पर उनका ओवर अफेक्ट द तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हमने फिजिकल देखा जिसमें हमने देखा चादोल को हमने केमिकल देखा केमिकल के अकॉर्डिंग वो एक इनक्टिव प्रोडक्ट बना रहे थे जैसे के एम एन ओ फोर उसके अलावा रिसेप्टर देखा रिसेप्टर एंटागोनिज्म एंटागोनिज्म होल कम्प्लीटली एडिटिव देखा सुपर एडिटिव देखा सिनर्जिज्म में एडिटिव में हमने देखा कि सिम्पली एडअप हो जाता है सुपर एडिटिव में उनका बेसिकली कि ए प्लस बी का अफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा इंडिविजुअली उनसे इनके एग्जाम्पल्स देखे एसपेरिन पैरासीटामो नाइट्रस ऑक्साइड हेलोथिन का एग्जाम्पल एनलोडिपिन एटिनोल का एग्जाम्पल सुपर एडिटिव में आपने देखा एसीटेलकोलिन फाइसोस्टिगमिन का एंटी हाइपरटेंसिव इन सबका एग्जाम्पल सो ये पूरा टॉपिक था सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म का अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ऑल्सो यू कैन आस्क मी और यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की लिंक जो है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है ऑल्सो मेरे यूट्यूब की अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं सो बाय बाई गाइज कीप लर्निंग कीप स्टडिंग मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ